आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज़। आज हम लोग आए हुए हैं, यहाँ ठेके का विरोध किया जा रहा है। मैं बताया क्या हुआ यहाँ पे? सर, यहाँ पे एक ठेके की शराब की दुकान खुल गई है, जिससे यहाँ की स्थानीय महिलाएं, आसपास की सभी महिलाएं उसका विरोध कर रही है। वो नहीं चाह रही कि उस रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खुले, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ही पार्क है, तो छोटे बच्चे खेलते हैं, मंदिर है, महिलाएं आती है यहाँ पे सुबह शाम वॉक करती है। और अभी जिस दिन से पहले दिन ही शराब की दुकान के बाद यहाँ पर इतने शराबी यहाँ पे बोतलें ले लेके बैठे थे कि उनका आना, पहले दिन से ही ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था कि लग रहा था कि ये तो ऐसा चलेगा तो यहाँ पे तो रहना ही दुर्भर हो जाएगा। तो हम महिलाओं ने पूरा ठान रखा है, हम सुबह 9:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और रात के 8 बजे तक बैठे रहते हैं। महिलाएँ भूखी प्यासी सब काम छोड़ के यहाँ बैठी है, उनका एक ही उद्देश्य है कि शराब की दुकान यहाँ से बंद हो जाए। ये ठेका कब खुला था? ये कल या परसों इन्होंने ओपनिंग की है और कल सुबह ओपन किया। यहाँ पर प्लाट नंबर 123 रजनी विहार कॉलोनी है, नियर बाई यहाँ आप देख रहे हैं भैरू जी का 45 साल पुराना टेंपल है और पास में यहाँ जो है शिव मंदिर है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आबकारी कमिश्नर है कुमार पाल गौतम, उनके संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा। और मुझे आज ही पता चला है यहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ अपने घर का काम, किचन का काम हो करके छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी है। और मैं सरकार की जो है नॉलेज में भी ये बात डालना चाहूँगा कि जिस प्रकार रिहायशी इलाके के अंदर और नियर ये टेंपल है, किसी प्रकार जो है बायलॉज जो है 300 मीटर की परिधि के अंदर शराब की दुकान को परमिशन नहीं दी जा सकती है। यहाँ अगर आबकारी DO ने या इंस्पेक्टर ने यह परमिशन दी है, यह बिल्कुल नाजायज और गलत तरीके से दी हुई परमिशन है। हम पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं ये आंदोलन अनवरत चालू रहेगा, लगातार करेंगे धरना प्रदर्शन यहाँ पर। यह दुकान का लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए, यहाँ पर शांति खराब हो जाएगी। हमारी बहन बेटियाँ यहाँ सड़क पर निकलती है, कल भी शराबी यहाँ पास के प्लॉट में 3 बिल्कुल नशे में धुत हालत में पड़े थे, जिनको जो है दूसरे राहगीर उठाकर ले गए थे। मैं कहना चाहूँगा कि दुकान हरगिज नहीं खुलेगी, हम इसका विरोध करेंगे, पुलिस और प्रशासन मदद करें, सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। मैं उच्च अधिकारियों से और नेताओं से भी मिलूंगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करते हैं। अपने कौन सा थाना लगता है? थाना करनी विहार लगता है। कल यहाँ SHO लिखमा राम और ACP आलोक सैनी जी भी आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था और हम पुलिस को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि बिना पुलिस की सह के शराब माफिया अवैध दुकान नहीं खोल सकते। पुलिस जो है जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी बखूबी से निभाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जनता जो है ये अवैध दुकान का पुरजोर शब्दों में विरोध करेगी। हम अगर कोई धरना प्रदर्शन करके उग्र आंदोलन करेंगे, इसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की रहेगी। मैं हरीश यादव एक बार पुनः जनता की तरफ से जो है चेताना चाहता हूँ आबकारी विभाग को कि अवैध दुकान का लाइसेंस निलंबित किया जाए। आगे की क्या कार्रवाई? आगे दुकान को बंद करवानी है। हम यहाँ पे ना, जो सामने मेरा प्लाट है, कल भी 3-4 लोग हैं ना जो यहाँ पे गाड़ी गुप्ता करके यहीं पड़ गए थे, जो इस रात को 12 बजे गए थे। आसपास कितने मंदिर हैं? आसपास यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं, निम्बाक मंदिर है, शिव मंदिर है, बहुत मंदिर है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, गली के बाहर निकल नहीं सकते, उनके लिए दिक्कत हो गई है। नहीं है यहाँ पे फिर ये है, एक दो मंदिर है, एक तो यहाँ पे पास में ही, पास में शिव मंदिर, एक रजिस्टर्ड मंदिर है, निम्बाक मंदिर, और पास में धरना लगातार चलेगा। इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे बच्चों का। आप देखिए यहाँ पे महिलाएं अपनी सब्जियाँ लेके बैठी, सब्जियाँ काट रही है, यहाँ पे अपना सारा सामान ला रही है। आप देख रहे हैं कैसे मौके पे मैं आया हूँ और यहाँ पे जो विरोध किया जा रहा है ठेके पे, महिलाएं प्रॉपर धरने पे बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि हम धरना प्रॉपर चलाएंगे, यहाँ पे खाना वाना चाहे हमें यहीं बनाना पड़ जाए। और क्या कहना चाहते हैं मैडम? ये हमारे इनका बच्चा है, इसको छोटे से बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम है, ये देखिए साथ में दवाइयाँ लाई है। इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी प्रायोरिटी दी है इस धरने को कि वो इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है और अपने बच्चे को साथ में लेके आई है, पर धरने को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य है कि इस दुकान को बंद किया जाए। तो थाने में आपने बात की तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा? मैंने ACP साहब आलोक सैनी जी से अभी बात की है और उन्होंने कहा है कि हम इसकी जो है जाँच करवा रहे हैं, अगर अवैध है तो हमारी तरफ से भी लिखित में देंगे और आबकारी कमिश्नर से मिलने की जो बात है वो हम लोग अपने स्तर पर मिलेंगे। ठीक है सर। आबकारी विभाग में सर मेल
कर दिया गया है और अभी हम लिखित में भी देने जाएंगे। आप मेल भी कर दिया है और हम हमारी कलेक्टर को भी हम लिखित में देने जाएंगे और जितना हमारा कोशिश होगी प्रशासन को हम शामिल करेंगे। कल भी प्रशासन आया था, हमने उनसे भी अपील की थी कि कृपया हमारा सहयोग करें, ना कि इतना समय ले इस चीज़ का। उन्होंने हमें सहयोग देने की वो करी। पास में दुकान है सिलाई की, शराबी यहाँ पास में बुटीक है मेरा। अब यहाँ पे शराबी आएंगे, रात को 9 बजे तक मैं दुकान पे बैठती हूँ, तो यहाँ पे शराबी आएंगे। इनका कहने का मतलब है कि शराब की दुकान के बिल्कुल पास से मेरा बुटीक है, तो इनको भी यही लग रहा है कि यहाँ पास में शराब की दुकान खुली है, लोग यहाँ पे आएंगे। पार्लर भी है यहाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं तारो कौन खोल पाजी, मीट कौन खोल पाजी? माता जी कह रही है यहाँ पे दारू की दुकान नहीं खोलने देंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पार्क है, बच्चे भी घूमते हैं, लेडीज भी घूमती है, दो मंदिर भी है पास में, प्रॉपर धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है, ये लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। और बताएं क्या कहना चाह रहे थे? मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ कि अगर विकास ही करना है तो एक पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में क्यों नहीं करते? क्यों उस पार्क को नहीं बनाते? क्यों ये सड़कों की दशा नहीं सुधारते? क्यों जगह जगह लाइटें नहीं लगती? क्यों बच्चों के लिए इतनी परेशानी होती है? उसमें तो उन्होंने सहयोग नहीं किया और इसको एकदम फटाफट खोल दिया। और जब महिला इतनी आ रही है तो फिर वो सुनते क्यों नहीं है? उसको बंद क्यों नहीं करते? और इतने ही एक्टिव हैं तो फिर इनको क्यों नहीं सुधारते? हम जनता का कहना यह है, ठेका खोलने में आगे, बाकी काम करने में सरकार पीछे, ऐसा क्यों? हर बुरी चीज़ आगे आ रही है, हर अच्छी चीज़ पीछे जा रही है, यही सबका कहना है। बताएं क्या तो काम? पार्क में तो पानी भर रहा है, स्विमिंग पूल बना रखा है, रोड़े देखो कैसी हो रही है, और ठेके खुलवाने में कसर नहीं कर सकते बच्चे। अभी हम लोग मौके पे देख लेंगे पार्क की हालत क्या है क्या नहीं है। बंद करो, बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो।